बनाएंगे मुड़ुक्कू फ्राई या चकली फ्राई। इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। और हमारे रेसिपी आप हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को देख सकते हैं। तो आइए हम चकली बनाते हैं। मुड़ुक्कू बनाने के लिए मैंने यहाँ चावल के आटे लिए हैं। 300 ग्राम चावल का आटा है और यहाँ 100 ग्राम बेसन है, चना का बेसन है, और 2 चम्मच ऑयल है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4 टीस्पून हींग, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सबसे पहले हम एक बड़े बोल में चावल को आटा डालते हैं और बेसन, अच्छे से मिलाना है और इसे हमें आटे की तरह गूंथना है। तो हमें गर्म पानी की ज़रूरत है, उबला हुआ गर्म पानी चाहिए हमें। इसमें उबाल आने तक इसे गर्म करना है। पानी में उबाल आ चुका है और इसे अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। इसी पानी से हम आटे को लगाएंगे। पानी को 1-2 मिनट उबालना है। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटा को गूंथ लेते हैं। जिस तरह हम रोटी के आटा लगाते हैं बस उसी तरह लगाना है, नरम आटा। और ऑयल को भी डाल देते हैं इसी में। गरम पानी है, इसमें हाथ ना डालो, चम्मच की सहायता से इसे हम मिलाते जाएंगे। और अब हम इसे ढक्कन से ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे मुड़ुक्कू बनाएंगे। मुड़ुक्कू बनाने के लिए हमें इस तरह का मशीन चाहिए और इस मशीन को आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। और इसे इस तरह से खोलना है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, मैंने इसे ऑनलाइन में खरीदे हैं। और इसमें इस तरह का जाली लगाना है और इस जाली को हम इस तरह लगाएंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर हमें ब्रश कर लेना है। इस तरह से ऑयल लगा लेते हैं अंदर में। दस पंद्रह मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। अब हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसे हम फिर से एक बार मसल लेते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके डो निकालेंगे। इस तरह से
बेसन के अंदर डालेंगे। इसे ऊपर की तरफ हमें खींच लेना है और पॉलिथीन के ऊपर हम दबाते हुए चकली को बनाएंगे। मशीन को घुमाना है इस तरह से। इसी प्रोसेस में सारे चकली को हम बना लेते हैं। और इसे दोनों तरफ साइड को अच्छा से थोड़ा दबा देना है ताकि खुल ना जाए। और अब हम सारे चकली को फ्राई करेंगे। ऑयल में थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेना है ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें चकली को डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। इसे एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद हम दूसरे साइड पलटेंगे। गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस में हम सारे चकली को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मुरुक्कू फ्राई तैयार है या चकली तैयार है। और इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे बनाना आसान है। और इसे बनाकर आप कई दिनों तक खा सकते हैं। इसे एयर टाइट कंटेनर में ठंडा होने के बाद भर कर रख सकते हैं और कुछ दिनों तक ये ठीक रहता है। आप भी इस तरह से मुरुक्कू को बनाइए।